नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 50 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे मिल के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला भवर हुआ थाना क्षेत्र का है। पुलिस आरोपी से पूरे मामले में पूछताछ कर गहराई से जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि पूरा मामला भवर हुआ थाना क्षेत्र के नौलखा मेन रोड का है। यहाँ पर मिल संचालित करने वाले पंकज गोयल ने पिछले दिन थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी कि इसके यहाँ सालों से काम करने वाले कृपाल सिंह ने काम करते करते 50 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद भवरकुआ पुलिस ने कृपाल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले में पूछताछ शुरू कर दी है। ये श्री कैलाश ग्रैंड मिल्स प्राइवेट लिमिटेड है, नौलखा मेन रोड पर। उनके मालिक पंकज गोयल जी द्वारा थाना भवरकुआ पे कागज लेके रिपोर्ट लिखाई थी। उनके कैशियर है कृपाल सिंह लोधी, उसके द्वारा 50 से 60 लाख रुपए का गबन उनकी मिल के अंदर किया गया था। भुक्त आरोपी को कल दिनांक 28 को उसके फरारी काट रहा था, ये इंदौर से गायब हो गया था। तो उसके बाद शिवपुरी से इसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लाके आरोपी से अपराध सदन के संबंध में पूछताछ की जा रही है। आपका परिचय? उप निरीक्षक जयंत शर्मा, थाना भवरकुआ इंदौर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और